इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज का दौर बहुत ही नाजुक है। अधर्म का, अत्याचार का, हिंसा का, क्रूर स्वभावों का, क्रोध का हर तरह से बोलबाला है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पहले के युगों में ये सब चीज नहीं होती थी। होती थी, लेकिन इतनी नहीं होती थी। आज अधिक है। आज के समय में जो सदग्रस्त है, जो चाहता है कि मैं सत्य ही बोलूं, ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाऊं, अपने परिवार को खुशहाल रखने का प्रयास करूं, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन आज के समय में बहुत ही मुश्किल हो गया है। कदम कदम पर झूठ, कदम कदम पर दगा, कदम कदम पर घृणाएं, नफरत, निंदाएं आज के समय में आपको चारों तरफ बिखरी पड़ी दिखाई दे जाती हैं, और इनसे बचकर के निकलना कितना मुश्किल होता है ये एक सदग्रस्त ही जानता है। परंतु परंतु संत ना छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुजंगई वेधिया शीतलता ना तजंत। जैसे चंदन के वृक्ष पर अनेक सर्प लिपटे रहने के बावजूद भी वो अपनी शीतलता को छोड़ता नहीं है, क्योंकि शीतलता चंदन का गुण है। इसी तरह से आप जो संत स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, वो तो आपका स्वभाव है ना। आखिर संत अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दे? धारा में पिच्छू के बहे चले जाने वाली कहानी आपने सुनी है ना। महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे और ऊपर से एक बिच्छू नदी की धारा में बहा चला जा रहा था, छटपटा रहा था। बिच्छू को शायद लग रहा था कि वो डूब जाएगा, तो वो छटपटा रहा था, निकलने का प्रयास कर रहा था। परंतु चूंकि नदी की धारा के बीच में था, तो वो निकल तो सकता नहीं था। संत ने देखा उसकी छटपटाहट को, तो नीचे पानी के नीचे से, बिच्छू के नीचे से उन्होंने अपना हाथ लगाया। बिच्छू उनके हाथ पर बैठ गया। लेकिन बैठते ही उसने क्या किया? बैठते ही संत जी को डंक मार दिया। संत जी को दर्द हुआ, छटक दिया हाथ, बिच्छू फिर से पानी में गिर गया, फिर छटपटाने लगा। संत जी दया से भरे हुए थे, उनको फिर दया आ गई। हाथ से नीचे से हाथ डाला, फिर से निकाला बिच्छू को, लेकिन बिच्छू ने अपना काम किया। तीन चार बार उसने ऐसा ही किया, लेकिन संत जी ने अपने दयालु स्वभाव को छोड़ा नहीं। उन्होंने उसे निकाल करके नदी की धारा के बाहर फेंक दिया। मतलब आपका स्वभाव संत वाला है ना। आपके स्वभाव में दूसरों के लिए दया है, नम्रता है, प्रेम है, अपनापन है। तो आप अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ना नहीं, संसार में हर प्रकार की नफरतें हैं, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। यदि आप जैसे लोग संसार में नहीं होते, तो कभी की आग लग चुकी है ना इसमें, तो कभी का ये संसार जल करके भस्म हो गया होता। आप जैसे लोगों ने इसे बचा करके रखा है, और आपकी इस कलयुग के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर धर्म का जो एकमात्र चरण बचा है, जिसे आप दान कहते हैं, उस एकमात्र चरण को बचाए रखने के लिए आपकी, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपकी बहुत आवश्यकता है। आप जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि केवल आप ही धर्म के इस एकमात्र चरण अर्थात दान को बचा सकते हैं। बाकी जो तीन चरण है ना, सत्य, तप और दया, ये तो पहले ही आज के समय में गायब हो चुके हैं। कलयुग में इनका कोई स्थान ही नहीं है। दरअसल सतयुग में धर्म के चारों चरण थे, सत्य भी था, तप भी था, दया भी था और दान भी था। लेकिन जैसा कि पुराणों में लिखा है, जैसा कि ग्रंथों में लिखा है, सतयुग में ये चारों चरण थे। चारों चरण होने के कारण धर्म का बोलबाला था, धर्म बहुत ही मजबूत था सतयुग में। तथापि असुर तो उस समय भी थे, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, कुंभ, निकुंभ जैसे जो दैत्य थे, जो अत्याचारी थे, उस समय भी थे। लेकिन ना सत्य से डिगता था उस समय का इंसान, ना तप से, ना दान से और ना ही दया से। फिर अगला युग आया। अगला युग मतलब त्रेता युग आया। त्रेता युग में धर्म का एक चरण अलग हो गया, सत्य। अब त्रेता में सत्य नहीं था, लेकिन बावजूद इसके तीन चरण तो थे, तप भी था, दान भी था, दया भी था। तीन चरण थे धर्म के त्रेता में, और इन तीन चरणों के होने के कारण वहां भी धर्म प्रधान था। लेकिन जैसे ही द्वापर आया, एक और चरण समाप्त हो गया,
और वो कौन सा चरण? वो तप, यानी द्वापर में तप भी समाप्त हो गया, सिर्फ दो चरण शेष रह गए धर्म के, दरअसल दान और दया। कहीं कहीं दान के स्थान पे पवित्रता को लेते हैं, लेकिन बात एक ही है, यहां पर केवल दान और दया ये दो ही शेष रह गए द्वापर में आकर। दया तो थी, लेकिन वहां असत्य बोलने वाले बहुत लोग थे, वहां पर तपस्वी नाम मात्र के रह गए थे, इसलिए द्वापर में अधर्म और धर्म दोनों ऐसा मान करके चलिए कि लगभग बराबर थे। इसके बाद आया ये युग जिसमें हमने और आपने सबने जन्म लिया है। इसका अर्थ ये नहीं कि उन युगों में हम नहीं थे, उन युगों में भी हमने जन्म लिया होगा, क्योंकि जीवात्मा तो कभी मरता नहीं है, वो तो जन्म लेता रहता है, हर काल में रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी इस बात को समझाते हुए अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, न त्वे बाहम जातु नासम, न त्वम नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामे सर्वे व्यमतः परम। हे अर्जुन, ना तो कोई ऐसा समय था जब मैं नहीं था या तू नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही आगे कोई ऐसा समय रहेगा जब तू नहीं होगा, मैं नहीं होगा या ये राजा लोग नहीं होंगे। अर्थात हर समय में मैं भी रहता हूं, तू भी रहता है और ये राजा लोग भी रहते हैं। तो भगवान के श्रीमुख से ये बात तो साबित हो गई कि हम भी जो इस समय हैं उन युगों में भी थे, उन युगों के हिसाब से, धर्म के चरणों के हिसाब से हम उन युगों में उसी तरह का अच्छा व्यवहार करते होंगे। इसी कारण पक्की मानिए इस बात को, इसी कारण आज मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन मिलने के बावजूद भी आप धर्म के मार्ग पर हैं, धर्म के मार्ग पर हैं, सत्य बोलने का यद्यपि आप पूर्ण प्रयास करते हैं, दान भी करते हैं, तप भी करते हैं, और आपके अंदर दया भी है, इसलिए आपकी इस कलयुग में जो कलपुर्जों का युग है विशेष आवश्यकता है। अभी कोई 15-20 साल पहले लोग उतना झूठ नहीं बोलते थे, अब ज्यादा झूठ बोलते हैं। इसके पीछे कारण आप जानते हैं ना, मोबाइल पर पल पल व्यक्ति झूठ बोलता है। सत्य नाम मात्र का यानी लगभग समाप्त प्राय है, रह गया है जो अपवाद स्वरूप कुछ व्यक्ति हैं जो सत्य का आज भी पालन कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के कारण अपवाद स्वरूप इस संसार में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो तप करते हैं, तन मन दोनों को साध कर जो अपने जीवन को जी रहे हैं, संसार की बुराइयों का उन पर कोई असर होता ही नहीं। और अपवाद स्वरूप संसार में अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से निष्ठावान हैं और उन्होंने दयालुता के दामन को थाम करके रखा हुआ है, वो दया नहीं छोड़ते। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। धर्म का मूल दया है, लेकिन आज दया आप देखिए चारों तरफ नजर उठा करके, कितने क्रूर लोग हो गए हैं, दया को उन्होंने थाम के नहीं रखा है, बिल्कुल भी दयालुता उनके अंदर नहीं है। पक्षियों की हत्या करते हैं, पशुओं की हत्या कर रहे हैं, पहले की तुलना में आप देख लीजिए जहां मुर्गी पालन हो रहे हैं, क्यों? पशुओं को पाल रहे हैं काटने के लिए, पक्षियों को पाल रहे हैं काटने के लिए, सुअर कट रहे हैं, मुर्गियां कट रही हैं, मुर्गे कट रहे हैं, बकरे कट रहे हैं, तमाम पशु कट रहे हैं, किस लिए? खाने के लिए। दया नाम की चीज नहीं है। तुलसीदास जी ने, जैसा कि रविदास ने आपके चरणों में ये बात रखी कि दया धर्म का मूल है, मूल कहते हैं जड़ को। अगर वृक्ष को बचाना है तो जड़ को पानी देना पड़ेगा ना, निश्चित ही देना पड़ेगा। इसलिए यदि धर्म को बचाना है तो धर्म के मूल दया को बचाना पड़ेगा ना। आप उपकार करने का दावा तो करते हैं परंतु दया को नहीं रखते, दया नहीं रखते तो उपकार कैसे कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। दया का मतलब है सब पर दया करना, चाहे कोई पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो और मनुष्य। कई बार आप मनुष्य पे तो दया दिखाते हैं लेकिन पशु पक्षियों पर कोई दया नहीं दिखाते। ऐसा धर्म किसी काम का नहीं है, ऐसे धर्म बच ही नहीं सकता। तो कलयुग में जो तीन चीज हैं, थोड़ी थोड़ी नाम मात्र की, सत्य, तप और दया, ये लगभग गायब हैं। आप जैसे कुछ व्यक्ति में ये तीनों चीज यदि बची हुई है ना, तो समझ लीजिए कि आप में ही धर्म रहता है, परमात्मा की आप पर विशेष कृपा है। वरना चाहे चोर हो,
लुटेरा हो, आतंकवादी हो, डकैत हो, तमाम लोग दान कर रहे हैं आज के समय में भी। मंदिरों में दान जा रहा है, मस्जिदों में दान जा रहा है और कई तरह के चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं। ये दान है, लेकिन ये दान, इस दान में दिखावट अधिक है। बस ये एकमात्र बचा है इस कलयुग में। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि इस दान का भी इस तरह से दामन पकड़े हुए हैं कि एक हाथ दान करता है और दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। दान वास्तव में वही सार्थक माना जाता है, लेकिन अधिकांश लोग तो ऐसे हैं जो दान का दिखावा करते हैं, चवन्नी दान करते हैं और दिखाते हैं जैसे करोड़ों दान कर दिए। वास्तव में जो दान लेने के पात्र हैं उनको दान देने वाले कितने हैं? जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो बीमार हैं, क्या ऐसों को दान नहीं करना चाहिए? ऐसों को भी दान करना चाहिए। सबसे अधिक सार्थक दान यही है। तो इस वीडियो में दास ने आपके चरणों में ये बात रखी है कि जो धर्म के चार चरण हैं, उन चार चरणों में ये जो कलयुग है इसमें केवल एक चरण रह गया है, दान, और वो भी दिखावे के रूप में। शेष चरण समाप्त प्राय ही है, चाहे सत्य हो, चाहे तप हो, चाहे दया हो। पवित्रता भी एक शामिल किया गया है, ये दया के रूप में, पवित्रता को कई जगह दया के रूप में यहाँ शामिल किया गया है। लेकिन बात तो एक ही है, आपके अंदर यदि इन चारों में से सब थोड़े थोड़े हैं, थोड़े थोड़े भी हैं या अधिक भी हैं, तो इसे परमात्मा की कृपा समझिएगा और अपने आप को भाग्यशाली समझिएगा कि इस घोर कलयुग में भी आपके पास ये चीज है, धर्म के चारों चरण आपके अंदर निवास करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर। अच्छा लगा है ये वीडियो आपको तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा अभी प्लीज। और यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्राप्त होते रहें और जीवन सार्थक होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।